अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। जैसे ही मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, देश का एक्सरे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जात है ही नहीं, दो ही जात हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अच्छा, अगर दो ही जात हैं तो भैया आप कहां के ओबीसी बन गए? तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जाति जनगणना हम पूरे देश में करवा देंगे। और इकोनॉमिक सर्वे और संस्थाओं का सर्वे, मतलब किसके पास कितना धन है, पिछड़ों के पास कितना धन है, पिछड़ों की क्या भागीदारी है, हर वर्ग की आबादी कितनी है, भागीदारी कितनी है, मीडिया में कितने हैं, कॉरपोरेट इंडिया में कितने हैं, प्राइवेट अस्पताल के मालिकों में कितने हैं, यह काम हम करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, और उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, वो एक योजना लाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, सुनिए आपने। उसमें क्या किया, सबसे पहले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। और फिर क्या किया, कहते हैं कि जो भी पैसा देना चाहता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, बिना नाम दिखाए पैसा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानूनी नहीं है, इसको रद्द करो, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्कीम को रद्द कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और सरकार, जिन लोगों ने उनको पैसा दिया उनके नाम नहीं रिलीज करना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके नाम दो, और कौन सी तारीख पे पैसा दिया वो बता दो। स्टेट बैंक पर दबाव डाला, वो ये इंफॉर्मेशन रिलीज ही नहीं कर रहे थे। फिर इंफॉर्मेशन रिलीज होती है, पता लगा। एक दिन किसी कंपनी पे सीबीआई की रेड होती है, कुछ ही दिन बाद वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है, सीबीआई की इंक्वायरी खत्म हो जाती है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 10-15 दिन बाद वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए पकड़ा देती है। सड़क पे जो एक्सटॉर्शन कहा जाता है ना, जो सड़क पे एक्सटॉर्शन, गुंडे एक्सटॉर्शन करते हैं ना, हाँ, ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर दिया है।
और जनता से कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक फंडिंग के सिस्टम को साफ कर रहा हूं। आप कैसे साफ कर रहे हो? अगर आप साफ कर रहे होते तो आप कहते भैया जो भी पैसा दे रहा है नाम सामने रखो, कौन से दिन दिया, किसने दिया, हिंदुस्तान की पब्लिक को बताओ। मगर नहीं, मगर देश समझ गया है